नमस्कार दोस्तों, अब हम जा रहे हैं रोहतांग टनल की ओर, अटल टनल की ओर, और ये हमारा अगला ब्लॉग है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कितना अच्छा पहाड़ है, ऊपर की ओर चट्टानों के ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल बहुत ही अच्छा है, और देखिए कितना प्यारा दृश्य है। ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हैं। और दोस्तों एक बार तो जरूर आइए मनाली, लेह, रोहतांग टनल घूमने, लाहौल स्पीति वगैरह। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे रिजॉर्ट हैं, होटल है, और ये आपका मनाली का व्यू है। मनाली से आगे जो रोहतांग के लिए रोड जाता है उसका है, ये देखिए। आओ कभी एतखो भी घूमने, जो मतलब आओ यहाँ भी कभी घूमने को, आओ कभी हमारे हिमाचल को, देखो कितना प्यारा हिमाचल है, सबका न्यारा हिमाचल है, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर आप यहाँ आए तो कृपा करके कूड़ा करकट ना फैलाएं, उसको अपने साथ ही ले जाएं या फिर किसी कूड़ेदान में ही डिस्पोज करें उसको, यही मेरा आपसे कहना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए रोड बहुत ही जिगजैग करता हुआ रोड है, आपको दिखाएंगे पूरा रोड रोहतांग के लिए। गद्दी आते हुए इनके पास बहुत सारी भेड़े होती हैं, कम से कम 200-300 भेड़े होंगी इनके पास। और ये ऐसे ही जब अब बर्फ़ गिरना ऊपरले इलाकों में शुरू होता है तो ये हिमाचल के नीचे नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं, वहाँ पे ये इनको चराते हैं और वहीं पे ये घूमते हैं, ये पैदल ही अपना सफ़र करते हैं। अब इनका सफ़र शुरू हो गया है तो कम से कम ये अब मार्च अप्रैल तक ऐसे ही चलते रहेंगे इन भेड़ों को लेके। इनको, इनके जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, वो चाहे आपका तेंदुआ है या चीता है उससे भी लड़ जाते हैं। ये ऐसे ही अपना सफ़र पैदल चलाए रखेंगे, राशन अपना ये घोड़ों के ऊपर ले जाते हैं और एक टेंट बना के रहते हैं। ये देखिए ये इनके घोड़े हैं, इन्हीं के ऊपर ये सारा सामान ले जाते हैं, अपना राशन, कंबल वगैरह वगैरह। और वो देखो एक मेमना इन्होंने डाला हुआ है पीछे। दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है ट्रक का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे ट्रक के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कितना अच्छा दृश्य है, बहुत ही प्यारा, और बहुत ही अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, मतलब दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे ऐसे स्थानों पे और प्लेसों पे आके। तो देखिए आपको कितना अच्छा सारा नज़ारा दिखेगा, यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे होटल हैं, आप आइए कभी विजिट कीजिए और घूमिए यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं बाहर के स्टेटों से।
दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिल को लुभाने वाला दृश्य है। और भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए देवदार के पेड़ हैं, कितने प्यारे पेड़ हैं, ये देखिए। ये रोहतांग की तरफ जाते हुए है और सोलांग वैली यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे एक जिप लाइन भी है 900 मीटर की, ये आपको अगर मैं दिखा पाऊँ तो। ये जो दिख रही है ये जिप लाइन है, 900 मीटर की जिप लाइन है ये। चलिए आगे चलते हैं। पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे, और पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ है। ये दोस्तों सोलांग वैली है और देखिए कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह, बाकी स्नो के टाइम और भी चीजें होती हैं। देखिए कितने प्यारे दृश्य हैं, कितनी अच्छी पहाड़ियां हैं, और सामने बर्फ पड़ा हुआ है। और ये बर्फ की पहाड़ियां अब नवंबर तक भर जाएंगी सारी की सारी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना प्यारा और कितनी प्यारी पहाड़ियां हैं, कितना अच्छा दृश्य है जो दिल को छू जाए, वैसा दृश्य है ये। और रोड भी बहुत ही प्यारा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें और भी दृश्य मिलेंगे। दोस्तों अब हम रोहतांग टनल पहुंचने वाले हैं, यानी कि अटल टनल। बस हमें 2 किलोमीटर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे रोहतांग अटल टनल। आइए चलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं अटल टनल। ये आपकी अटल टनल रोहतांग है, ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है। आगे अटल टनल है और ये यहाँ पे आर्मी वाले, बीआरओ वाले सारे रहते हैं। अटल टनल रोहतांग देखिए, बहुत ही प्यारी टनल है ये। ये देखिए बर्फ के पहाड़ हैं ऊपर। ये देखिए ये अटल टनल काम चला हुआ है यहाँ पे कुछ अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।